दो घंटे हो गए थे और कुलदीप डॉक्टर माधवी के केबिन के बाहर बैठकर तन्वी का इंतजार कर रहा था। तन्वी का मोबाइल कुलदीप के ही पास रखा हुआ था, तभी तन्वी का मोबाइल बजने लग जाता है। कुलदीप देखता है कि अनन्या का फोन आ रहा है। वो फोन उठाता है और कहता है, हेलो। फोन के अंदर से अनन्या की आवाज आती है, हाँ तन्वी कैसी हो? वो एक्चुअली क्या है ना अनन्या कि मैं कुलदीप बोल रहा हूँ। तन्वी डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवा रही है तो उसका मोबाइल मेरे ही पास है। अनन्या ने घबराते हुए कहा, क्यों क्या हो गया तन्वी को? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो ठीक है, नॉर्मल से कुछ जांचे हैं बस। अच्छा ठीक है कुलदीप, फिर तन्वी जैसे ही आई उसे कॉल बैक करने के लिए बोलना। हाँ ठीक है। इतना कहकर कुलदीप फोन कट कर देता है। जैसे ही कुलदीप फोन कट करता है, तन्वी डॉक्टर माधवी के केबिन से बाहर आ जाती है। अरे तन्वी तुम आ गई, अभी अभी तुम्हारी दोस्त का ही फोन आया था, कुलदीप ने कहा। तन्वी ने पूछा, किसका फोन था? वो अनन्या का फोन था, कह रही थी तन्वी आए तो उससे बात करवाना। लो मैं उसे रिटर्न कॉल करता हूँ। अरे नहीं कुलदीप अभी रहने दो, प्रोफेसर को अपने सपनों के बारे में बता बता कर मेरा सिर दर्द होने लगा है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ फिर अनन्या से बाद में बात कर लूंगी। ठीक है फिर चले घर। हाँ चलो। कुलदीप और तन्वी हॉस्पिटल से बाहर जाने लगते हैं। शाम के 5 बज गए थे। शमशान घाट में बहुत भीड़ जमा थी, आसपास के सारे गांव वाले वहीं पर जमा थे। आदित्य पुजारी, निर्मल पुजारी, नीरज पुजारी और सरपंच महेंद्र सिंह भी वहीं पर खड़े हुए थे। संतोष और राम काका भी वहीं पर खड़े हुए थे। शमशान में एक चिता जल रही थी जिसकी लपटें आसमान तक जा रही थी। वो चिता किसी और की नहीं बल्कि पंडित सुशीलाचार्य की थी। सभी की आंखें नम थी, साथ ही साथ सबके मन में खौफ भी था कि अब क्या होगा। उस चुड़ैल के प्रकोप से जो उन्हें बचा सकता था वो खुद उस चुड़ैल का शिकार बन चुका था। संतोष देखता है कि पंडित सुशीलाचार्य जी के अंतिम संस्कार में सभी लोग आए थे सिवाय पंडित सुशीलाचार्य के चौथे शिष्य निशांत को छोड़कर। ये बात संतोष के मन में खटके जा रही थी। संतोष को ये बात हजम नहीं हो रही थी और वो आखिरकार आदित्य पुजारी से पूछ ही लेता है, पुजारी जी निशांत पुजारी कहीं नहीं दिखाई दे रहे? आदित्य पुजारी संतोष की बात का कुछ जवाब नहीं देते हैं। निर्मल पुजारी ने कहा, वो क्या है ना उन तक हमने खबर तो पहुंचा दी है पर उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी और आप भी जानते हैं गुरुजी के पार्थिव शरीर को ज्यादा देर ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, वैसे भी तो उनका शरीर सड़ गया था। संतोष ने कहा, जी हाँ मैं समझ सकता हूँ। महेंद्र सिंह ने कहा, पुजारी जी अब क्या करना है, उस चुड़ैल ने तो पंडित सुशीलाचार्य जी को भी मार दिया है। हमने तो सोचा था कि वो आकर इस चुड़ैल से हमें मुक्ति दिलाएंगे पर उस चुड़ैल ने तो उन्हें ही उस दुनिया से मुक्ति दिला दी। नीरज पुजारी ने प्रतिशोध की आग में कहा, अब उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया है ठाकुर साहब, जिस तरह उसने हमारे गुरुजी को मारा है ठीक उसी तरह हम उसकी रूह को तड़पा तड़पा कर मुक्ति दिलाएंगे। महेंद्र सिंह ने कहा, पर कैसे पुजारी जी, आपने तो उस दिन कहा था कि आपके पास उतनी शक्तियां नहीं है कि आप उस चुड़ैल को मुक्ति दिला सके, तभी तो आप इतने दिनों से पंडित सुशीलाचार्य जी का इंतजार कर रहे थे, अब कैसे आप उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाएंगे? आदित्य पुजारी ने कहा, माना ठाकुर साहब कि हमारे पास उतनी शक्तियां नहीं है पर हम भी पंडित सुशीलाचार्य के ही शिष्य हैं और अब अगर वो नहीं रहे तो गांव को उस चुड़ैल से बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आज से ठीक 15 दिन बाद अमावस्या है, उसी दिन उस चुड़ैल का खात्मा होगा। हम लोग एक अनुष्ठान करेंगे जिसमें उस चुड़ैल को कैद करने की कोशिश करेंगे। संतोष ने कहा, यही तो हम चाहते थे पुजारी जी, आप बस हमें ये बताइए कि हमें क्या करना है, हमारे लिए कोई आदेश? आदित्य पुजारी ने कहा, जैसा कि आप सबको पता है मेघ गांव पिछले 19 सालों से बंद है, वहां पर कुछ व्यवस्था नहीं है, आपको बस ये करना है कि सड़कों पर रोशनी के लिए कुछ खंभे लगाने हैं जिससे रात के वक्त वहां पूजा करने में आसानी रहे।
महेंद्र सिंह ने कहा। पर पुजारी जी, ये कैसे संभव है? आप तो जानते ही हैं, मेघ गांव के अंदर वो चुड़ैल घूम रही है, फिर हम कैसे वहाँ पर कदम रख सकते हैं? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, ये कार्य आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक संपन्न करना है। शाम के 7 बजे के बाद गलती से भी मेघ के अंदर किसी को नहीं रुकना है। ये जो चुड़ैल होती है दिन में कमजोर और रात में ताकतवर होती है, और जितना हमारा अंदाजा है उसकी शक्तियां अभी इतनी नहीं बढ़ी होंगी कि वो दिन में भी किसी को अपना शिकार बना ले। जी पुजारी जी, और कोई आज्ञा हमारे लिए? आदित्य पुजारी ने कहा, फिलहाल के लिए तो इतना ही, और पूजा के लिए जो भी सामान लगेगा उसकी लिस्ट हम जल्दी ही आपको बता देंगे। पंडित सुजलाचार्य की चिता की अग्नि धीरे धीरे शांत होने लग गई थी। उसी के साथ गांव वालों की भीड़ भी कम होना शुरू हो गई थी। लोगों ने एक एक करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो शमशान पूरा खाली हो चुका था। वहां पर सिर्फ पंडित सुशलाचार्य के 3 शिष्य बैठे हुए थे। पंडित सुशलाचार्य की चिता राख में तब्दील हो रही थी। निर्मल पुजारी ने कहा, आदित्य, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही फैसला लिया है उस चुड़ैल को कैद करने का? मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे पास इतनी शक्तियां हैं कि हम उस चुड़ैल को मुक्ति दिला सकें। आदित्य पुजारी ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं निर्मल, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते थे? ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे तो नहीं रह सकते थे ना? देखा ना तुमने, उस चुड़ैल ने क्या हस्ब किया हमारे गुरुजी का। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नीरज पुजारी ने कहा, आदित्य, तुम्हारा गुस्सा होना अनिवार्य है, पर ये वक्त जोश में नहीं होश में रहकर काम करने का है। तुम्हें पता है ना, अगर हमसे जरा सी भी कोई चूक हुई तो वो चुड़ैल हमें मार सकती है, इसमें हमारी जान को भी खतरा है। आदित्य ने अपनी आंखों में पंडित सुशलाचार्य की जलती हुई चिता को याद करते हुए कहा, हाँ मुझे पता है नीरज, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते थे? कब तक ऐसे चुप बैठे रह सकते थे? एक ना एक दिन तो उस चुड़ैल से हमें सामना करना ही पड़ेगा ना। पिछले 1 साल से मेघ का दरवाजा खुला हुआ है और उस चुड़ैल ने पता नहीं कितने लोगों को अपना शिकार बना लिया है। अब मैं और मौतों का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। अब यहाँ या तो वो रहेगी या फिर हम। पर आदित्य पुजारी ने बीच में ही निर्मल पुजारी को रोकते हुए कहा, परवर कुछ नहीं निर्मल, अब बस अनुष्ठान की तैयारी करो। आज से 15 दिन बाद अमावस्या है, उसी दिन उस चुड़ैल का अंत होगा।